राजस्थान की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली से बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक ट्रैक्टर चालक को गोली लग गई। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अन्य ट्रैक्टर चालकों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। राजस्थान की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली से बालू का अवैध खनन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह अवैध खनन की सूचना पर गश्त कर रही पुलिस टीम पहुंची तो खनन माफियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक ट्रैक्टर चालक को गोली लग गई। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अन्य ट्रैक्टर चालकों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि राजस्थान की ओर से कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में चंबल सैंड भरकर लाई जा रही थी। इरादत नगर के क्षेत्र में सुबह 6:30 बजे पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर चालकों ने रोकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इरादत नगर थाना क्षेत्र में सुबह कुछ खनन माफिया मुरैना के रहने वाले थे। 3 ट्रैक्टर ट्राली से खनन करके ले आ रहे थे, जिसमें जो पुलिस टीम वहाँ पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी किया गया था, उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच जो ट्रैक्टर पर बैठे लोग थे, लगभग 8-10 की संख्या थी, पुलिस टीम पर फायर किया गया और इसने अपने बचाव में आरक्षी ने योगेश कुमार उसने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को जो कि ड्राइवर थे उनको गोली लगी है। 2 गोली पैर में लगी है, 1 थोड़ा ऊपर लगी है। अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। SSP प्रभाकर चौधरी ने जब से चार्ज संभाला है, खनन माफियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि हाल ही में खनन माफियों के खिलाफ हाल ही 106 मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ में लगभग 80 डंपर और ट्रैक्टर सीज किए जा चुके हैं, जिसमें 41 खनन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हाल में लगभग 106 मुकदमे भी लिखे गए खनन माफियाओं के खिलाफ, साथ में लगभग 80 डंपर और ट्रैक्टर सीज हैं। इसके अलावा इसमें 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो ये लोग चोरी छुपे जो गांव के रास्ते हैं वहाँ से बहुत ही रैश ड्राइविंग करके लेकर के जाते हैं और किसी भी कीमत पे रुकते नहीं हैं, बल्कि अगर कोई सामने आ जाए तो चढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस का लगातार अभियान है, इसको रोकने के लिए सख्ती की जा रही है। इस क्रम में आज ये घटना हुई है और इसमें जो आरक्षी है उसने बहुत ही सतर्कता और साहस का परिचय दिया है। साथ ही जो इसमें घायल है उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है, अभी इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी ट्रैक्टर चालकों पर जवाबी फायरिंग की। पुलिस टीम ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रही थी। सूरजपुरा रोड पर नहर पुल से पहले 2 ट्रैक्टर लेकर चालक भाग गए। 2 ट्रैक्टरों को पुलिस ने घेर लिया। खुद को घिरता देखकर ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस टीम पर सीधे फायर किए। पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की, इसमें एक ट्रैक्टर चालक के गोली लग गई। घायल ने अपना नाम मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी आकाश गुर्जर बताया है। उसके पेट के निचले भाग में गोली लगी है। घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।